तो बच्चों अपन आज नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस चल रहे हैं जिसके अंदर अभी लास्ट एप्लीकेशन रहेगा हमारा ऑप्टिकल फाइबर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, कैसे काम करता है, इसको अपन समझेंगे अच्छे तरीके से, किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? इट इज अ हेयर लाइक, बहुत पतला होता है, बहुत छोटा होता है, इसके साइज बहुत छोटी होती है, माइक्रोन माइक्रोमीटर ऑर्डर की होती है, ठीक है ना। इट इज हेयर लाइक मेड ऑफ क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज, बहुत पतला होता है, ठीक है, और ग्लास का बना होता है, क्वार्ट्ज का बना होता है। यूज्ड एज अ गाइडेड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल या लाइट विदाउट एनी लॉस इन स्ट्रेंथ। देखो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये जो वर्क करता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है इसमें तीन पार्ट होते हैं, इट कंसिस्ट थ्री पार्ट्स लिख रहे हैं बट होते मेन दो ही पार्ट है, तीसरा वाला तो ठीक है प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है कोर। कोर क्या होता है? इट इज मेड ऑफ ग्लास और क्वार्ट्ज हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है क्लैडिंग, अभी अपन एक्सप्लेन करेंगे इसको, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ व्यू में इसको लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। इट सराउंड्स कोर एंड हैविंग एंड मेड ऑफ कोर एंड मेड ऑफ ग्लास, ये भी ग्लास का बना होता है, वो ग्लास या क्वार्ट्ज का बना होता है, ये भी ग्लास या क्वार्ट्ज का बना होता है। Having slightly less refractive index than core. Core से इसका थोड़ा सा कम refractive index होता है 1.48, ठीक है। और एक थर्ड तीसरा पार्ट होता है इसका, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये क्लैडिंग है, ये दो ही मेन पार्ट होते हैं फर्स्ट और सेकंड। तीसरा पार्ट जस्ट प्रोटेक्शन के लिए होता है जिसको कहते हैं बफर कोटिंग। एक प्लास्टिक जैकेट होता है, ये तो प्लास्टिक जैकेट होता है, यूज्ड टू प्रोटेक्ट ऑप्टिकल फाइबर। अब देखो ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। एक बार मैं ये रफ कर लेता हूं, देखना। देखो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ये ग्लास का एक पाइप है, ठीक है, ये ग्लास का एक पाइप है, ये जो ग्लास का पाइप है ये पूरी तरीके से ग्लास का है, इसको अपन बोलते हैं कोर। इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज्यादा होता है, इस कोर के चारों तरफ जो है ना और ग्लास, एक और ग्लास लगा हुआ होता है,
जो इसको सराउंड करता है, इसको ढकता है। ये कोर है, कोर के चारों ओर और ग्लास लगा हुआ है। बस खासियत ये है कि जो कोर है, इस कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.52 होता है। ये क्लैडिंग है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम होगा, इस कोर से कम होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का, ठीक है। और ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों के बीच का इंटरफेस है, यानी ये जो कोर होगा, ये कोर जो होगा ये होगा डेंसर मीडियम, और ये क्लैडिंग जो है ये रेयर मीडियम है। ये पूरा पाइप है। अब इस पाइप में क्या होता है, हम सिग्नल को जब भेजते हैं तो वो सिग्नल अंदर पैक हो जाता है, वो पैक हो जाता है, सिग्नल बाहर नहीं निकल पाता है, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। कैसे होता है इसको देख लेते हैं। जैसे इसके अंदर एक मान लो सिग्नल, जैसे ये सिग्नल है या फिर ये लाइट है, लाइट इसके अंदर एंटर कर रही है, तो लाइट इस कोर के अंदर ट्रेवल करती है। ये जो कोर है ना, इस कोर के अंदर लाइट ट्रेवल करती है, तो ये लाइट अंदर आके अंदर आकर के ये यहाँ पे टकरा रही है। तो ये कौन सा मीडियम है, डेंसर है। डेंसर से कौन से मीडियम में जा रही है, रेयर मीडियम है। तो डेंसर से रेयर में जा रही है, और ये एंगल क्रिटिकल से अगर ज्यादा है तो क्या होगा, तो हमें पता है एंगल क्रिटिकल से ज्यादा होगा तो ये रे वापस रिटर्न बैक हो जाएगी, ऐसे रिटर्न बैक हो जाएगी इधर की तरफ, यहाँ पे टकराएगी, यहाँ पे वापस डेंसर से किस में जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है। एंगल क्रिटिकल से ज्यादा है तो ये वापस यहाँ पे इसका टी आर होगा, और ये आगे से आगे, ये जो पाइप है कितने बड़ा हो बड़े, आगे से आगे ये सिग्नल चलता रहेगा और इसकी स्ट्रेंथ में कोई लॉस नहीं होगा। ये ऑप्टिकल फाइबर जो है इस तरीके से वर्क करता है। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। इसके अंदर एक कोर होती है और इस कोर के चारों तरफ जो है क्लैडिंग होती है। दोनों ग्लास के बने हुए होते हैं। कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है 1.5, क्योंकि डेंसर बनाना है इसको। बाहर वाला जो मीडियम होता है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है क्लैडिंग का। अंदर कोर के अंदर सिग्नल चलता है और वो सिग्नल कोर से बाहर निकल ही नहीं पाता है, क्योंकि हर बार उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये अंदर तो होती है कोर, कोर के बाहर क्या होता है, ये क्लैडिंग, ये तो है कोर, ये क्या है क्लैडिंग, और इस कोर और क्लैडिंग के जस्ट बाहर जो है एक प्लास्टिक का बड़ा जैकेट होता है। ये पूरा ब्लैक कलर का पूरा प्लास्टिक का जैकेट होता है, ये प्लास्टिक जैकेट है जिसको अपन कहते हैं बफर कोटिंग, ठीक है। तो अगर आपको इसका भाई वर्किंग लिखनी हो तो वर्किंग बहुत नॉर्मल सी है। ये जो अभी मैंने बताया कि व्हेन लाइट सिग्नल एंटर्स इन द कोर मीडियम एंड इंसिडेंट एट द एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस एंड द सिग्नल विल प्रोपोगेट विदाउट लॉसिंग इट्स स्ट्रेंथ थ्रू आउट द कोर मीडियम। इसके अंदर ये चलता रहेगा सिग्नल, इसकी स्ट्रेंथ में कोई लॉस नहीं होगा और ये सिग्नल कंटिन्यूसली आगे ट्रेवल करता रहेगा। ये भी डायग्राम बनाना है आपको, ये भले नहीं बनाओ तो चलेगा, इसके अंदर तीनों आ गए, ठीक है। अब एक और डायग्राम बनाया जा रहा है, वो भी आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, कोर, कोर के चारों ओर क्लैडिंग है, क्लैडिंग के फिर इसको ये ग्लास का है, टूट नहीं जाए, डैमेज नहीं हो जाए, इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक का जैकेट लगा दिया, बफर कोटिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। एक आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ये अंदर वाला तो है कोर, 1.52 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, कोर का डेंस, कोर डेंसर होती है और इसके चारों ओर, ये जो है ये जो बनी मैंने, ये भी ग्लास का होता है और इसको आप क्या कहोगे, क्लैडिंग, और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है थोड़ा सा, 1.48, ठीक है। जैसे एक सिग्नल अंदर एंटर करेगा इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और सिग्नल अंदर ट्रेवल करता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, अंदर ट्रेवल करता रहेगा, बाहर निकल ही नहीं पाएगा सिग्नल ये, ठीक है। तो ये भी आप डायग्राम पढ़ा लें। ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, सिग्नल चलता रहेगा आगे से आगे। देखो एक जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये तो एक छोटा सा एक स्ट्रैंड है, एक वायर है, ऐसा पूरी इमेज बनाने के लिए ऐसे 1000 स्ट्रैंड मिलकर के पूरा एक पाइप बनता है, बंडल बनता है, जिसको अपन बोलते हैं लाइट पाइप। क्या बोलते हैं, लाइट पाइप बोलते हैं। ये डायग्राम भी बना देना आपको, इसकी वर्किंग अगर कहा जाए तो लिख लेते हैं, व्हेन लाइट सिग्नल एंटर्स
इन कोर मीडियम एंड इंसिडेंट एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस एट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. Then the total internal reflection will take place and the signal will travel throughout core without losing strength. बिना अपने स्ट्रेंथ लॉस किए बहुत आगे से आगे तक चलता रहेगा, ठीक है. ये अभी जो मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था वो एक पाइप था, एक छोटा सा स्ट्रैंड था, एक छोटा सा वायर था, ठीक है. ऐसे हजारों वायर मिलते हैं, एक वायर नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे छोटे 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 ऑप्टिकल वायर्स मिलकर के पूरा एक लाइट बंडल बनाते हैं, ठीक है. ये ऐसे बहुत सारे छोटे 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 वायर्स होते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे वायर्स होते हैं. ये जो एक सर्कल मैंने बनाया ना, ये एक सर्कल एक गोला, ये जो गोला मैंने बनाया एक सर्कल, ये एक सर्कल एक ऑप्टिकल का वो वायर है, स्ट्रैंड है, जिसके अंदर कोर और क्लैडिंग है. ये एक जो मैंने खाली गोला बनाया ना, ये पूरा खुद अपने आप में ऐसे पूरा कोर क्लैडिंग का है. ये ऐसे है पूरा, ये क्लैडिंग है और ये क्या है कोर, ये पूरा एक जो राउंड बनाया, समझ रहे हो आप. तो एक जो ऑप्टिकल फाइबर बनाया है मैंने, ऐसे हजारों छोटे छोटे फाइबर्स, बहुत पतला होता है ये ऑप्टिकल फाइबर. ये तो एक स्ट्रैंड एक वायर जो होता है वो बहुत पतला होता है, बाल के साइज का होता है, इतना पतला होता है. तो ऐसे पतले 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 बहुत सारे मिला करके पूरा एक इतना बड़ा पाइप बनाया जाता है, और उस पाइप को अपन बोलते हैं लाइट पाइप. और ये जो लाइट पाइप होता है, इसी लाइट पाइप से ही सिग्नल आगे से आगे ट्रेवल करता है. अब आप सोच सकते हो ये एक लाइट पाइप के अंदर थाउजेंड्स ऑप्टिकल फाइबर होते हैं. ये बंडल है, बंडल, इसको लाइट बंडल, ये पूरा जो बंडल है, बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, इसको लाइट पाइप बोलते हैं, ठीक है. अब ये जो बंडल है, ये पूरा एक जो गोला मैंने बनाया है वो एक ऑप्टिकल फाइबर है, ये एक ऑप्टिकल फाइबर है, ऐसे थाउजेंड्स नंबर ऑफ थाउजेंड्स जो है ऑप्टिकल फाइबर्स जुड़ करके पूरा एक लाइट पाइप बनाता है. और ये पूरा लाइट पाइप जो है कंप्लीट इमेज बनाता है. जैसे मान लो ये मैंने ए लिखा लेटर, अब आपको इस लेटर ए की इमेज बनानी है, तो इस लेटर ए की जो इमेज बनेगी उसमें, जैसे मान लो ए का ये पॉइंट है, इसके सामने ये जो ये ऑप्टिकल फाइबर आ रहा है, ये वाला फाइबर दिख रहा है आपको, ये वाला गोला, ये जो फाइबर है ये इस ए के इस पॉइंट के सामने आ रहा था, ये जो इस पॉइंट की इमेज जो है, ये वाला सर्कल जो ये वाला वायर है, ये वाले वायर से होते हुए मान लो ये वाला वायर, तो इसके सामने इस ए की इमेज बनेगी, ए के इस पॉइंट की. फिर इस नीचे वाले पॉइंट की इमेज बनानी है, तो इसके सामने वाला जो फाइबर है वो इसके सामने वाले की इमेज बनाएगा. तो ऐसे इस पूरे एक इमेज अकेला एक ऑप्टिकल फाइबर नहीं बना सकता है. इस पूरे एक इमेज बनाने के लिए हजारों आपको छोटे 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 वायर्स लाने पड़ेंगे, और ये पूरे वायर्स मिलके पूरा बंडल होगा, और ये पूरा बंडल मिलके इस पूरे एक यहाँ पे इमेज बनाएगा, यहाँ पर पूरी एक इमेज बनेगी, ठीक है. तो मतलब एक पॉइंट की इमेज एक ऑप्टिकल फाइबर बनाता है, इतना छोटा होता है ऑप्टिकल फाइबर. और आपको अगर पूरी कंप्लीट इमेज बनानी है तो इतना बड़े मतलब बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स आपको लेने पड़ेंगे, और उनका बंडल जो है वो पूरा एक वायर की तरह हमारे काम आएगा, ठीक है. ये ऑप्टिकल फाइबर होता है, कोई ज़्यादा इतना है नहीं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन, मैंने बता दिया. एक ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, नॉर्मली जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें अंदर वाला जो मीडियम होता है उसको कहते हैं कोर, और बाहर वाला जो मीडियम होता है क्लैडिंग. कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, क्लैडिंग का कम होता है. डेंसर से रेयर की तरफ सिग्नल जाएगा तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. और ये यूज़ कहाँ आता है ऑप्टिकल फाइबर, तो इसके जो यूजेज हैं मैं बता देता हूँ, आप लिख लेना इसको. इसके यूजेस एक तो है ना, मेडिकल के अंदर काम आता है, जो एक एंडोस्कोपी होती है, गले के अंदर पाइप डालते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज बनाते हैं एंडोस्कोपी में, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, उसमें ऑप्टिकल फाइबर ही होता है. तो
ऑप्टिकल फाइबर जो होता है क्या होता है, जनरली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। तो एक तो मेडिकल के अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज आता है, फिर फोटोसेंसर्स के फॉर्म में भी आता है। फोटोसेंसर्स जो है अपने हार्ट के अंदर जो ब्लड का जो फ्लो हो रहा है उसकी रेट को मेजर करने के लिए काम आते हैं फोटोसेंसर्स, ठीक है ना, टू मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, फोटोसेंसर्स के फॉर्म में काम आता है। टू ट्रांसमिट ऑप्टिकल सिग्नल्स, सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है इन कम्युनिकेशन। टू सेंड 2D पिक्चर्स, 2D पिक्चर्स को भेजने के लिए भी इसको काम में लेते हैं अपन, ठीक है। और एक और इसका काम आता है ये टू मेजर मतलब एज अ रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर का मतलब होता है टू मेजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना है तो भी ऑप्टिकल फाइबर को काम में लेते हो। ये इतना सा था ऑप्टिकल फाइबर के बारे में और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस हो गए। अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो करने बहुत जरूरी है हमें, इसलिए उन न्यूमेरिकल को आपको अच्छे तरीके से समझना है। अब अपन एक क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत छोटा भी है, कोई ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है नहीं, इजी क्वेश्चन है। देखो, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ राइट आइसोस्केल प्रिज्म इज टोटली रिफ्लेक्टेड एज शोन इन फिगर। एक ऐसे डायग्राम दिया गया आपको, ये आइसोस्केल प्रिज्म है और लाइट रे टकरा रही है, टकरा करके टोटली रिफ्लेक्टेड हो गई, ठीक है। What must be the minimum value of refractive index of glass? ये जो prism है ये glass का बना हुआ होता है, बना हुआ है और अपन को इसका refractive index निकालना है। Question एक बार मैं वापस repeat कर लेता हूँ, बहुत easy question है। ये glass isoscale glass का prism है, ये ray totally reflected हो गई है, यहाँ पर टकरा रही है ये ray इस जगह पे और अपन को इस glass का minimum refractive index बताना है ताकि अपन को पता चले कि भाई इतना refractive index होगा तब तो TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इससे कम होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो अपन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो ये रे यहाँ टकरा रही है तो आप ये तो देख सकते हो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री है। अब हमें पता है ये रे जो है 45 डिग्री पे टकरा रही है, ठीक है। तो ये अगर इसका TIR करवाना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है, तो अपन को पता है फॉर TIR वी मस्ट हैव, देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे इस जगह, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई, ये क्रिटिकल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ये तो हमें पता है ना, पहली कंडीशन है। फर्स्ट आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए। कितना है भाई इंसिडेंस एंगल, कितना है, 45 है ना, यानी आई की वैल्यू 45 है और ये किससे बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो, ज्यादा से ज्यादा बराबर भी हो सकता है लोग, क्लियर। अब मैं दोनों तरफ साइन साइन लगा देता हूं, साइन 45 और साइन IC, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, 1/√2, और साइन IC का फॉर्मूला होता है 1/n, ये भी हमारे पढ़ा हुआ है। तो आप n को भेज दो इधर और √2 को भेज दो इधर, n की वैल्यू ग्रेटर देन, ये n को भेज दिया इधर, √2 को भेज दिया इधर, तो n की वैल्यू √2 से बड़ी होनी चाहिए हमेशा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, √2 से बड़ा होना चाहिए इसके लिए, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाना है तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई भाई, कम से कम कितनी हो सकती है, √2, आप इसको लिख सकते हो 1.414, बस आंसर आ गया, इतना इजी क्वेश्चन, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन अपन और भी कर रहे हैं जो जिनमें ये ऐसे ही स्टार्टिंग होगी और इसी तरीके से होगा। तो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था तो आपको ये आई ग्रेटर देन आईसी वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। क्वेश्चन नोट कर ले, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो
तो अभी जो ये हमने क्वेश्चन किया इसके अंदर आपको डायग्राम इस तरीके से भी दिया जा सकता है। ये ऐसे थीटा करके दे देंगे, जो अभी हमने क्वेश्चन किया ना मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिवनेस निकालो, उसमें डायग्राम को इस तरीके से भी दे सकते हैं। ये ऐसे आ रही टकरा करके इधर जा रही, थीटा तो हमें पता है 45 डिग्री है थीटा, तो मिनिमम वैल्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के निकालने से हम वही वापस लिख रहे हैं। डायग्राम को जो अभी मैंने बनाया था उसको इस तरीके से भी आपको दे सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें रे इधर से यू आ रही थी, इसमें ऊपर से ऐसे जा रही है रे। है क्वेश्चन एक ही है वो, ऑटोफोकस है, ऑटोफोकस क्या हुआ था, बंद क्या हुआ था, हां सब सही। देखो अभी ये क्वेश्चन है जो अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था वही वैसे ही क्वेश्चन है, उसमें हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू पूछी थी, इसमें हमें थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, है क्वेश्चन पूरा वही है वैसे ही करना है। पहले तो आपको ये देखना है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं अपन। राइट एंगल प्रिज्म मेड फ्रॉम अ मटेरियल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू, ये राइट एंगल प्रिज्म है, इसका ये एंगल 90 डिग्री है और ये जो है ऐसे मटेरियल का बना हुआ है कि उस मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू दिया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से भी डिनोट करते हैं, म्यू से भी करते हैं। इसने इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया हमें म्यू, ठीक है। इज केप्ट इन एयर अरे पीक्यू, ये ग्रे आ रही है पीक्यू, अरे पीक्यू इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द साइड ए बी, इस ए बी साइड के ऊपर ये रे इंसिडेंट हो रही है पीक्यू रे, ठीक है, ऑफ द प्रिज्म शोन इन फिगर। फाइंड इन टर्म ऑफ म्यू, म्यू के टर्म में हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है देख लेते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा अप टू विच द इंसिडेंट रे नेसेसरली अंडरगोज टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, आपको थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। तो देखो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे अपन, लेकिन अपन को पता है ये रे टकरा रही है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है आई है। हमें ये पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो ये एंगल है ये मिनिमम होना, मिनिमम से मिनिमम कितना होना चाहिए, तो हमें पता है ये तो मिनिमम से मिनिमम जो है ज्यादा से ज्यादा है, क्रिटिकल के बराबर हो सकता है, क्रिटिकल से छोटा नहीं हो सकता। तो फॉर टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू, इस आई की मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं अपन, मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बी आई सी, मिनिमम वैल्यू आई की कितनी होनी चाहिए, आई सी के बराबर होनी चाहिए। अब आप देखो आई, मैं दोनों तरफ जो है ना, अब आप अपन आई निकालते हैं, आई क्या होगा भाई, देखो आई की जो वैल्यू होगी, आप देखो ये रे आ रही है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, कोरस्पॉन्डिंग से देख लो ये एक ही लाइन है, इसके ऊपर जितनी भी पैरेलल लाइंस होती है वो इक्वल एंगल बनाती है, ये थीटा है ये भी थीटा होगा, तो आई की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा के टर्म में मुझे बताना है। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है ऊपर वाला थीटा है, तो नीचे वाला क्या रहेगा 90 माइनस थीटा रहेगा, तो आई की वैल्यू होगी पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू आई सी, बिल्कुल ईजी, ठीक है। अब मुझे तो भाई थीटा चाहिए, तो मैं इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मुझे बताओ, इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, पाई बाई टू माइनस आई सी, आई सी जो है ये मिनिमम एंगल है, तो थीटा जो होगा ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी थीटा की, और आई सी निकालना है मुझे, क्रिटिकल एंगल निकालना है भाई। तो आपको ये पता है साइन आई सी का फॉर्मूला होता है वन बाई म्यू, होता है ना वन बाई म्यू, तो साइन क्या, इससे आई सी क्या आएगा बताओ मुझे, साइन इनवर्स 1 by mu, आएगा 1 by mu, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख दो बस, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू माइनस आई सी की वैल्यू रख दो भाई, साइन इनवर्स 1 by mu, ये आंसर आ गया, इतना सा छोटा क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया, ये एक बार वापस समझ लेते हैं इसको, समझ में आया, वापस समझ लेते हैं इसको, इसी क्वेश्चन को है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो थीटा मैक्सिमम क्यों हुआ, क्योंकि ये जो क्रिटिकल एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आईसी, ये मिनिमम है, मिनिमम एंगल है ये मिनिमम होगा, तो पाई बाई टू में से जब मिनिमम चीज माइनस करोगे तो आंसर मैक्सिमम आएगा, तो इसलिए हमें इसने थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछी, और अगर आई की मैक्सिमम आई की वैल्यू पूछता तो ये मिनिमम वैल्यू पूछता आपको, आई की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होती है, क्रिटिकल के बराबर होती है, किसके लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। तो आई इक्वल टू आई सी किया मैंने, आई की वैल्यू रख दी मैंने और इससे मैंने थीटा फाइंड आउट कर लिया, ये आई सी आंसर तो मेरा यहीं पे खत्म हो गया, पाई बाई टू माइनस आई सी, आंसर तो मेरे यहीं पे ही खत्म हो गया, थीटा आ गया पाई बाई टू माइनस आई सी, बट ये इसने कहा म्यू की टर्म में आंसर हो गया, म्यू की टर्म में,
तो आई सी जो है म्यू की टर्म में निकाल दो, हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है क्रिटिकल एंगल का, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कोई हार्ड था नहीं, इसमें इतने से स्टेप्स है आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है भाई। तो समझ में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, एक बार देख लो भैया नहीं समझ में आया हो तो, ये ऐसे प्रिज्म था, ये रे टकरा रही थी ऐसे, ये एंगल थीटा था और ये इस एंगल को आई नाम दिया था, क्लियर। तो ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल जो होगा वो थीटा होगा, ये एंगल थीटा था ये भी एंगल जो है वो थीटा होगा, तो ये आई की जो वैल्यू होगी, आई की जो वैल्यू होगी ये पूरा 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ऊपर वाला थीटा है, तो आई की क्या वैल्यू आएगी, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा लिख लो या पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख लो, क्लियर। इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, थीटा इक्वल टू आ गया पाई बाय 2 माइनस आई। अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी, तो ये मैक्सिमम तब होगा जब ये पीछे वाला मिनिमम होगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, ये मैक्सिमम पूछा है तो ये मिनिमम होना चाहिए, ये मैक्सिमम वैल्यू निकालें थीटा की, पाई बाय 2 आई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो मिनिमम वैल्यू आई सी होती है, आई सी से ज्यादा कितना भी हो सकता है एंगल, लेकिन आई सी मिनिमम से मिनिमम आई सी, तो इसलिए थीटा मैक्सिमम इसलिए पूछा है, ये मिनिमम होना चाहिए। अब आई सी कितना होता है ये आप बोले डायरेक्ट याद रख सकते हो, साइन इनवर्स 1 बाय एन या 1 बाय म्यू, ये होता है ना क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है हमारे पढ़ा हुआ ये, तो आई सी की वैल्यू रख दो बस, इतना तो इजी क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, ये इसका आंसर आ गया इसी क्वेश्चन का जो अभी हमने किया, ठीक है। अगला और एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, देखो समझने की कोशिश करो, आप इजी वे में समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो एग्जाम में आए हुए हैं, कभी ना कभी आए हुए हैं एग्जाम में, तो अपन को एक तरीके से पैटर्न पता चल जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी एक क्वेश्चन देखना, देखो अपन नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, इतने सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। थ्री लाइट रेज, रेड ग्रीन एंड ब्लू, तीन लाइट रेज है, आर इंसिडेंट ऑन राइट एंगल प्रिज्म एबीसी, ये राइट एंगल प्रिज्म है एबीसी, इसका ये एंगल जो है राइट 90 डिग्री एट फेस एबी, फेस एबी पे तीन कलर जो आकर के गिर रहे हैं, ब्लू ग्रीन रेड, क्लियर। The refractive index of prism for red, green and blue are 1.39, 1.44 and 1.47 respectively. Out of the three, which color ray will emerge out of face AC? Justify answer, trace the path of rays after passing through the face AB. ये question, इसको मैं explain कर लेता हूँ, क्या कहना चाह रहा question? Question कह रहा है, ये right angle prism है, इस पे तीन अलग अलग color आकर के टकरा रहे हैं, तीन अलग अलग कलर कौन से हैं, एक तो ब्लू है, एक ग्रीन है और कौन सा, ये रेड कलर, तीन कलर अलग अलग टकरा रहे हैं। अब तीन अलग अलग कलर प्रिज्म पे टकराते तो होता क्या है, देखो आपको ये ऐसा लगता है, और हालांकि इससे पहले वाली क्लास के अंदर डिस्कस किया जा चुका है, फिर भी मैं बता देता हूँ, आपको ऐसा लगता है कि प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है और हमें बताया गया ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमेशा 1.5 की तरह ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ये ऑलरेडी आपको बताया गया है, और आपको ये भी बताया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कहने का मतलब कलर चेंज होते ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाता है, जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसका लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उस मीडियम का, तो वेवलेंथ ज्यादा किसकी होती है, रेड कलर की ज्यादा होती है ना, आपको बताया गया रेड कलर की ज्यादा होती है वेवलेंथ, तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है, और ब्लू या वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो वायलेट या ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है तो उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, और आप इस क्वेश्चन से भी देख सकते हो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेड के लिए तो है 1.39, ग्रीन के लिए है 1.44 और ब्लू के लिए है 1.47, यानी सबसे ज्यादा देखो इन तीनों में से ज्यादा सबसे ज्यादा ब्लू के लिए, क्यों, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम होती है, और सबसे कम किसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.39 रेड के लिए, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम क्यों है, क्योंकि रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम इसलिए है कि इसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो तीनों कलर के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कितना है भाई, ब्लू के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया हमें 1.47, ग्रीन के लिए कितना दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 और रेड के लिए कितना दिया गया 1.39, तो तीनों कलर यहाँ पे जाकर के टकरा रहे हैं, ये भी टकरा रहा है, ये भी टकरा रहा है, ये भी टकरा रहा है, तीनों कलर इस प्रिज्म के अंदर एंटर हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, तीनों के तीनों सेम एंगल पे टकरा रहे हैं, तीनों 45 डिग्री पे टकरा रहे हैं, तीनों कलर 45 डिग्री पे टकरा रहे हैं, क्या तीनों का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा क्या,
यही क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, क्या तीनों का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा क्या? और हमें पता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तीनों के अलग है, तो तीनों के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो भाई तीनों के लिए क्रिटिकल एंगल भी अलग अलग होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सबका 45 है, पर एंगल ऑफ इंसिडेंस किस कलर के लिए क्रिटिकल से ज्यादा है, किसके लिए क्रिटिकल से कम है, वो तो चेक करना पड़ेगा ना। क्रिटिकल से अगर ज्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो उस कलर का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और यह प्रॉब्लम यही है कि सब कलर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग है, तो सबके लिए क्रिटिकल एंगल भी अलग अलग होगा। तो क्रिटिकल एंगल सबके लिए अलग अलग है, तो देखते हैं किसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अपन को भाई ये तो पता है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वी मस्ट हैव, हमें पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसी का भी करवाना है तो उसका एंगल जो है इंसिडेंस टकराने वाला एंगल वो क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए, ना क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए या फिर बराबर हो सकता है। लो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा होना चाहिए, और ये सब कलर जो टकरा रहा है कितने डिग्री एंगल पे टकरा रहा है, नॉर्मल बना दो ये तो 45 डिग्री एंगल है, तो सब कलर 45 पे टकरा रहे हैं। आई की वैल्यू तो है 45, सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45, और ये किससे बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। मैं दोनों तरफ साइन साइन लगा देता हूं, ये अभी आज के लेक्चर में जो फर्स्ट क्वेश्चन किया वही है, वैसा वैसा है। साइन 45 और यहां पे साइन लगा देता हूं, क्या प्रॉब्लम है इसमें? साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 ग्रेटर देन होना चाहिए। साइन आईसी की वैल्यू कितनी होती है, 1/n होता है ना, 1/n। अब इसको n को भेज दो इधर और √2 को भेज दो इधर, तो n की वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है भाई, n को भेज दे इधर, √2 को भेज दे इधर, n की वैल्यू √2 से बड़ी होनी चाहिए। हमने देखा ये फर्स्ट क्वेश्चन किया था आज का, n बड़ा होना चाहिए √2 यानी 1.414 से बड़ा होना चाहिए। लो खाली 41 लिख लेता हूं, यानी n रिफ्रेक्टिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किससे बड़ा हो, 1.41 से बड़ा हो। तो 1.41 से बड़ा होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो उस कलर का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो चेक करो कि किसका 1.41 से बड़ा है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा होना चाहिए, किसका ज्यादा है? देखो इसका तो भाई कम है, देख लो इससे कम है ना, रेड का कम है, रेड का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसका देखो 1.44, ये 1.41 से बड़ा है ग्रीन, तो इसका TAR हो जाएगा भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका हो जाएगा ग्रीन का। और इसका चेक करो ब्लू का, तो देखो इसका 1.41 से ज्यादा है 1.47, तो इसका भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यानी दो कलर का तो TAR होगा, यानी दो कलर टकरा के वापस आएंगे, ये भी टकरा करके वापस आएगा, बट इस कलर का TIR नहीं हो पाएगा, ये कलर बाहर निकलेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जस्टिफाई करो पहले तो कि कौन सा कलर इसमें से बाहर निकलेगा, इमर्ज आउट कौन सा कलर होगा, विच कलर विल इमर्ज आउट ऑफ फेस AC, AC से बाहर कौन सा कलर निकलेगा, किसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो देख लो 1.41 से कम किसका है, रेड का, रेड का TAR नहीं होगा, तो अपन को आंसर लिखना है। सो देयर विल नो TIR फॉर रेड, एंड रेड भाई रेड को हाईलाइटेड कर देना है ना, ये हमारा आंसर है, एंड इट विल इमर्ज आउट, इमर्ज आउट फेस AC से बाहर निकल जाएगा रेड। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आगे ये क्या कह रहा है भाई, इनके पाथ भी ट्रेस करो सबके, जैसे AC से बाहर निकलेंगे, तो मैं बना देता हूं, ये ऐसे प्रिज्म था ABC था, ये प्रिज्म सबसे ऊपर कौन सा कलर आ रहा था, ब्लू कलर आ रहा था ब्लू, तो ब्लू कलर तो भाई ये तो बाहर नहीं निकलेगा, इसका तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अभी मैंने बताया था, तो इसका तो TAR होगा, तो ये लो TAR हो गया इसका। तो इसके बाद दूसरा कौन सा कलर था, इसके नीचे ग्रीन, ग्रीन का भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये लो हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रेड का, तो रेड का तो मैंने कहा TIR नहीं होगा, तो फिर रेड तो बाहर निकलेगा, ये देखो ये ऐसे गया और फिर यू करके बाहर निकल गया, ये मैंने पाथ ट्रेस कर दिए सबके। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट का आंसर है ही, सबके पाथ ट्रेस करो, रेड कलर खाली बाहर निकल गया। ठीक है, तो अगर कंफ्यूजन है तो आप बोल दे, एरो जरूर बनाना है, एरो नहीं बनाया तो नंबर कट जाएंगे हमारे। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी जो हमने किए वैसा वैसा क्वेश्चन है। देखो अ रे PQ इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस AB ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रेक्टिंग एंगल 60 डिग्री मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2/√3, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2/√3 दिया गया प्रिज्म का, एज शोन इन फिगर, ट्रेस द पाथ ऑफ रे
एज इट पासेज थ्रू द प्रिज्म आल्सो कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। अब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है। अभी तक जितने भी हमने प्रिज्म लिया है, आइसोस्केल्स, राइट एंगल ट्रिक, ये एक ऐसा प्रिज्म है जिसका एंगल है 60 डिग्री, इसके ऊपर ये रे आकर के टकरा रही है परपेंडिकुलर, इस फेस के ऊपर नॉर्मली परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे टकरा रही है। यहाँ पे तो ये डेंसर से रेयर जा रही, नहीं सॉरी, रेयर से डेंसर जा रही, तो यहाँ तो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का दिमाग लगाना ही नहीं है हमें। तो कहाँ होगा टोटल इंटर रिफ्लेक्शन? यहाँ होगा, यहाँ यहाँ इस जगह पे होगा। चलो चेक करेंगे अभी होगा कि नहीं होगा इसका टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। तो ये जो प्रिज्म दिया हुआ है इसका है ये 2/√3। प्रिज्म का हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2/√3, ठीक है। पहले ये जो प्रिज्म है मैं इसका क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करता हूं, क्रिटिकल एंगल कितना है। तो आपको फॉर्मूला पता है साइन आईसी का क्या होता है, 1/n होता है ना फॉर्मूला। अब साइन आईसी इक्वल टू 1/n की वैल्यू, रखो भाई n की वैल्यू, तो n कितना दिया हुआ है 2/√3, ये रूट थ्री ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा। और साइन थीटा √3/2 कब वैल्यू होती है पता है आपको? अरे ये √3/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो साइन से साइन कट गया तो क्रिटिकल एंगल कितना है भाई, 60 डिग्री है। तो क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री आ गया, इसका मतलब अगर ये रे अंदर टकराएगी, अगर 60 से ज्यादा एंगल पे टकराएगी तब तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और 60 से कम पे टकराएगी अगर तो ये रे बाहर निकल जाएगी इस प्रिज्म से। समझ में आ रहा है? ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है ना, क्रिटिकल एंगल निकाल दिया हमने इस प्रिज्म का, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे दिया आपको, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देते हैं तो क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं हम। तो हमें क्रिटिकल एंगल इसका पता चल गया कितने डिग्री है, 60 डिग्री क्रिटिकल एंगल है। अब जोर से बोलना, क्रिटिकल एंगल आपको पता चल गया 60 डिग्री है, चलो ठीक है। अब ये रे जा रही है, इस रे को ये जाकर के यहां टकराएगी, मान लो इस जगह पे टकरा रही है, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना होगा बताओ, ये रे सीधी सीधी आ रही है तो ये तो 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना बचा भाई, ये कितना होगा, तो 180 में से माइनस कर दो 90 को फिर 60 को, तो पता चलेगा हमें, तो ये तो 30 डिग्री रहेगा, रहेगा 30, तो क्या रे 30 डिग्री पे टकरा रही है, 30 पे टकरा रही है, रे 30 पे नहीं टकरा रही है, रे नॉर्मल के साथ देखना एंगल नॉर्मल बनाना पड़ेगा, ये लो नॉर्मल बनाया मैंने, जैसे ही नॉर्मल बनाओगे आप तो ये नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, एंगल नॉर्मल के साथ लेना है। तो ये रे जो टकरा रही है स्पेस में कितने डिग्री पे टकरा रही है, 60 डिग्री पे टकरा रही है, और 60 डिग्री तो कौन सा एंगल है, क्रिटिकल। और आपको बताया गया है कि अगर कोई रे क्रिटिकल एंगल पे टकराती है, आपको ये बताया गया है भाई कि अगर कोई रे डेंसर मीडियम से जा रही है रेयर की तरफ और क्रिटिकल एंगल पे टकरा रही है तो वो रे सरफेस से क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ये रे जो टकरा रही है ये तो क्रिटिकल पे तो टकरा रही है सीधा, 60 डिग्री तो क्रिटिकल है, तो क्या होगा, ये तो रे सरफेस से पैरेलल हो जाएगी, ऐसी जाएगी पैरेलल ही जाएगी ऐसे, तो ये रे ऐसी पैरेलल चली जाएगी सरफेस के। तो इसने कहा कि भाई पाथ को ट्रेस करो आप, तो पाथ को तो मैंने ट्रेस कर देगी, रे ऐसे आई टकराई क्रिटिकल एंगल पे टकरा रही है तो ये सरफेस के पैरेलल चली गई। अब इसने क्या पूछा हमें कि एक तो बताओ आप एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये रहा कितना है 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ कितना है, वो नोट कर लेना भाई, जो अभी मैंने जो लिखा था आईसी की वैल्यू 60 डिग्री वो नोट कर लेना। अब आंसर जो आया है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आया है आई और वो आईसी के बराबर आया, कितना आया 60 डिग्री, एक आंसर तो आ गया। फिर इसने ये कहा एंगल ऑफ डेविएशन भी बताना, ये डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे वो आगे बढ़ा हुआ, ये ऐसे जा रही थी, ये ऐसे जाना था इंसिडेंट को, ऐसे जाना था ना, और बाहर जो निकल रही है लास्ट इमर्जेंट जो रे है वो ऐसे जा रही है, तो इंसिडेंट ऐसे जा रही है इमर्जेंट ऐसे जा रही है, ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल, इंसिडेंट ये आ रही है और लास्ट में रे कहां निकली, किधर गई है, ये ऐसे गई है, तो दोनों के बीच का एंगल आप नहीं निकाल सकते क्या, ज्योमेट्री लगाओ दिमाग लगाओ कैसा आएगा, इंसिडेंट ऐसे जा रही है ये एंगल, ये कितना होगा एंगल आप बताओ मुझे, ये ऐसे जा रही है ये नॉर्मल है, ठीक है,
ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये देखो ये वर्टिकली अपोजिट ये भी कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है ना, तो 30 डिग्री आ रहा था, एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री आ गया। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, साफ दिख रहा है यार, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। नॉर्मल ज्योमेट्री वाले बेसिक से क्वेश्चन है, दो दो चार चार लाइन के अंदर आंसर आ रहे हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन भी आ गया हमारे पास, एंगल ऑफ इमर्जेंट भी आ गया, सॉरी इंसिडेंट भी आ गया, और डायग्राम भी ड्रॉ करना है आपको, इसके भी नंबर है, ट्रेस द पाथ ऑफ रे, ये पाथ ट्रेस कर दिया था मैंने। ये ऐसे प्रिज्म था, ये रे परपेंडिकुलर टकरा रही थी, यहाँ पे ये 60 डिग्री एंगल था, इसलिए ये रे सरफेस को ग्रेज करती हुई, रगड़ खाती हुई ऐसे जा रही है। ये इसका डायग्राम था पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो आप ये बना दो ये डायग्राम, ये 30 डिग्री एंगल आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री, क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन, बैटरी के कारण बंद हो जाएगा। देखिए भाई, एक अभी जो हमने क्वेश्चन किया पूरा एज इट इज वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर लिया, देखते हैं इसको। फिगर शोज अ रे ऑफ इंसिडेंट, फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली 90 डिग्री पे टकरा रही है ऑन फेस ए बी, ये ए बी फेस पे लाइट टकरा रही है, ठीक है, ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, 60 डिग्री के एंगल है सारे, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने जस्ट किया है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ 2018 के अंदर। हैविंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2, इस प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, इस ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, भाई ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 3/2, ठीक है। अभी तक मैं खाली एन एन लिख रहा था, पर यहां मैंने एन जी क्यों लिखा, उसका रीजन आपको अभी समझ में आ जाएगा। प्लेस इन वाटर ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3, यानी इस बार वाटर का भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया गया है, और वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 4/3, क्लियर। विल दिस रे सफर TIR ऑन स्ट्राइकिंग फेस AC जस्टिफाई, यानी ये सेम अभी जो पहले हमने क्वेश्चन किया वैसा का वैसा है, ये कह रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा क्या, पहले जो हमारा प्रिज्म था वो एयर में पड़ा था, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें प्रिज्म एयर में पड़ा था, और एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम लेते थे 1, तो एयर का 1 होता था, इसलिए वो काम आता नहीं था हमारे, खाली हमारे इसी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स काम आता था ग्लास का, पर इस बार हमारे इस ग्लास को हमने रख दिया वाटर के अंदर, तो भाई अब है ना हमारा जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, वो पहले तो एयर के रेस्पेक्ट में था, और ग्लास का आप एयर के रेस्पेक्ट में किसी का भी एयर के रेस्पेक्ट में निकाल दे आप, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास का निकालते थे अपन विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो हम क्या करते थे, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है एयर के रेस्पेक्ट में, तो ऊपर तो ग्लास का आता है नीचे एयर का, और ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मान लो आपको 3/2 दिया हुआ है और एयर का है 1, तो इसलिए वो 3/2 ही रहता था, वो 3/2 ही रह जाता था, ग्लास का है तो ग्लास का ही काम आता था, एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 होता है इसलिए उसको हम यूज नहीं करते थे, पर इस बार हमारे हमने क्या कर दिया, इस ग्लास को पानी में डाल दिया, तो अब हमारा जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो विद रेस्पेक्ट टू एयर नहीं, वो किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, वाटर के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, क्योंकि अब हमने इसको वाटर में रख दिया ग्लास को, तो पहले तो ग्लास का डायरेक्ट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स काम आ जाता था डायरेक्ट, हम जो ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला था साइन IC वाला 1/N वाला, तो इसमें एन की जगह हम डायरेक्ट सीधा ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रख देते थे, क्यों, क्योंकि तब हमारा प्रिज्म एयर में पड़ा था और एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसलिए हम डायरेक्ट ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रख देते थे, पर इस बार हमारे एन की वैल्यू डायरेक्ट ग्लास वाला नहीं होगा, तो फिर एन क्या होगा, तो मैं एन निकाल रहा हूं, देखना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, अब ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में आपको निकालना पड़ेगा, तो एन जो होगा ऊपर तो आएगा ग्लास का और नीचे किसका आएगा, वाटर का, बस ये इस क्वेश्चन के अंदर चेंज है इतना सा कि आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इस बार चेंज मिलेगा, तो कितना है ग्लास का तो 3/2 और इसका कितना है वाटर का 4/3, ये हो गया अपने 9/8, क्लियर। अब मैं एक बार डायग्राम हटा देता हूं, ये डायग्राम या फिर ये नोट डाउन कर लो आप, तो अब मुझे यूं बताओ आप, नाउ क्रिटिकल एंगल का क्या फॉर्मूला है, 1/N, ये फॉर्मूला है साइन IC 1/N की जगह ये रख दो 9/8 ऊपर चला जाएगा भी, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी साइन IC इक्वल टू आ जाएगा, इसको ऊपर भेज दो आप, ये ऊपर भेजोगे आप तो 8/9 हो जाएगा, और 8/9 जो होगा 0.89 के आसपास आ जाएगा, 0.89 आप डिवाइड करके देख लेना, 0.89 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये रे है ना यहाँ पे टकरा रही है इस फेस पे, नॉर्मल बना दिया, अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन बनाया था ना,
ये 30 डिग्री होगा, ये 90 है, 60 है, ये 30 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो इंसिडेंट एंगल कितना है, इंसिडेंट एंगल कितना है, इंसिडेंट एंगल है आपके 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री है। तो साइन आई कितना आएगा, साइन आई होगा भाई साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ये आप निकालोगे तो 0.866 यानी 87 लिख लेते हैं, इतना आएगा। ठीक है, मैंने ये साइन आई निकाल दिया। अब क्यों निकाला आपने, तो अब आप है ना देखें, ये साइन आई सी की वैल्यू आ रही है 0.89 और एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन आई की वैल्यू आ रही है 0.87, यानी आप देख रहे हो कि साइन आई जो है वो छोटा है साइन आई सी से। देखो आप, साइन आई की वैल्यू 0.87 आ रही है और साइन आई सी की वैल्यू कितनी आ रही है 0.89, तो साइन आई जो है ये छोटा आई सी से, तो साइन कट कर दूंगा, आई भी क्या आ रहा है छोटा, आई सी से छोटा आ रहा है ना आई, तो आई की वैल्यू आई सी से छोटी आ रही है, तो छोटा है तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा क्या, नहीं होगा। सो नो टी आई आर, या टी आई आर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो ये रे जो है ना इसे बाहर निकल जाएगी, इमर्ज आउट हो जाएगी, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। आपको इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था ये वही क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है, बस ये एन की वैल्यू चेंज हो गई। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर एन जो है वो 2/√3 दिया हुआ था तो आपके 60 डिग्री आ गया था, पर इस क्वेश्चन के अंदर तो भाई 60 नहीं आया है, कुछ अलग ही आया है अपने ये, और ये क्रिटिकल से कम है इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करना एक बार, फिर अपन और चेंज करेंगे। बट आपको एक बार मैं वापस बता देता हूँ, एक बात याद रखनी है, जब भी किसी प्रिज्म को किसी मीडियम में आप रख देते हो तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, एन की वैल्यू जो है वो उस मीडियम के रेस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी आपको, और एयर में रखते हो तब डायरेक्ट वो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो। ऐसे अपन और क्वेश्चंस करेंगे बाद में आगे लेक्चर्स के अंदर, आप एक बार इनकी ट्राई करें, वापस प्रैक्टिस करें, इनको बिना देखे करें।